हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे मलाई सीख बिरयानी। बहुत ही पॉपुलर है अभी और बहुत पसंद की जा रही है, तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 300 ग्राम मैंने यहाँ पर चिकन का कीमा लिया है। चिकन, बोनलेस चिकन को अच्छी तरह से वॉश करके उसका पानी ड्रेन कर लिया था और मैंने इसको मिक्सर में मीडियम कोर्स ग्राइंड कर लिया है। इसके अलावा 2 टेबल स्पून भुने हुए चने का पाउडर है। आप बेसन को रोस्ट करके भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। आधा टी स्पून जीरा लिया है, आधा टी स्पून मिर्ची पाउडर, सॉल्ट, 1 टीस्पून धनिया, 2 टेबलस्पून यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, मुट्ठी भरकर धनिया और पुदीना, हरी मिर्चें और प्याज लिया है फाइन चॉप करके। चावलों के लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, सॉल्ट लिया है 1 टेबलस्पून भरकर, 1 टीस्पून जीरा और नींबू का रस हम ऐड करेंगे। क्योंकि ये मलाई सीख बिरयानी है इसलिए मैंने आधा कप यहाँ पर दूध के ऊपर की मलाई ली है। आप इसके जगह पर फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेवी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 मीडियम ऑनियंस को फ्राई कर लिया था। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, उससे ग्रेवी का कलर बहुत डार्क होगा। आपने उसको जस्ट हल्का सा गोल्डन करना है और उसको निकाल लेना है। और उसमें 8 से 10 हम काजू ऐड करेंगे। हाफ कप से थोड़ा सा कम दही लिया है मैंने। कुछ सूखे खड़े मसाले लिए हैं, 2 लौंग, 2 काली मिर्च, 2 हरी इलायची और दालचीनी, 1 टीस्पून धनिया, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून जीरा और 1 तेज़पत्ता लिया है, सॉल्ट एज पर टेस्ट। सारे इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट नीचे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है, प्लीज़ उसको क्लिक कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए बनाते हैं मलाई सीख बिरयानी। तो सबसे पहले हम सीख कबाब बना लेंगे। उसके लिए चिकन का कीमा, इसमें 2 चम्मच भुने चने का पाउडर ऐड किया है मैंने, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, हरा धनिया और पुदीना फाइन चॉप करके, और प्याज ऐड किया है, धनिया, जीरा, मिर्च, नमक ये भी ऐड कर देंगे, मलाई ली थी मैंने 1 चम्मच और ये 2। बस अब सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर ले। थोड़े से नींबू का रस मैं ऐड करी हूँ यहाँ पर। तो सीख कबाब का मिक्सचर रेडी हो गया है। अगर आपके पास वक्त है तो आधे से 1 घंटे के लिए आप इसको साइड में रख दें। थोड़ा सा गोला हम ले लेंगे, हाथों पर चिपक रहा तो पानी लगा लेंगे, लंबा कर लेंगे इस तरह से। इसमें हम इस तरह से स्क्यूअर लगा देंगे, इसको लंबा कर लें। बहुत पतला भी नहीं फैलाएंगे और बहुत मोटा भी नहीं, और इसको धीरे से इस तरह से बाहर खींच लेना है हमने, ये देखिए। तो फ्रेंड्स सारे ही रेडी कर लिए हैं मैंने। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो तेल जो है वो मीडियम गरम है और सीख कबाब हम ऐड कर देंगे। मीडियम हीट पर ही इसको अलट पलटते हुए हमने कुक कर लेना है जब तक ये दोनों तरफ से गोल्डन नहीं हो जाता है। हल्के से गोल्डन हो गए हैं ये, फ्लेम को हाई कर लेंगे और दोनों तरफ से ब्राउन करके इसको बाहर निकाल लेंगे। अगर आप इसको लो फ्लेम पर ज़्यादा देर कुक करेंगे तो ये अंदर से ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। तो ब्राउन हो गए हैं ये, निकाल लेते हैं बाहर। चावलों के लिए खुला पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया है। इसमें हम जीरा ऐड कर देते हैं, नमक ऐड कर देंगे, ऑयल ऐड कर दिया है। पानी बॉईल हो रहा है तो अब हमने इसमें चावल ऐड करना है। चावल को मैंने धोकर अभी आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। इसको हमने 90% कुक करना है।
तो यहाँ देखिए राइस भी ऑलमोस्ट मैंने इसको 6 से 7 मिनट बॉईल कर लिया है, और अगर आप इसको खाकर चेक करें तो ये कुक्ड है लेकिन ये सख्त है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है। तो हम पानी इसका ड्रेन कर लेते हैं और चावलों को साइड में रख देंगे। तो ग्रेवी को बनाने के लिए हमने मसाला प्रिपेयर कर लेना है। 2 मीडियम ऑनियंस को मैंने फ्राई कर लिया है और 8 से 10 काजू, बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना है। ये देखिए आप अगर ये ऑनियंस को देखें तो ये बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं है, वरना ग्रेवी का कलर जो है वो डार्क हो सकता है। दही हमने ऐड कर देना है और इसको हम फाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इसका एक फाइन पेस्ट तैयार हो गया है, अब ग्रेवी बना लेते हैं। तो ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर एक वेसल में ऑयल ऐड कर दिया है नीचे, ये वही ऑयल है जिसमें मैंने सीख कबाब फ्राई किया था, और इसमें मैं खड़े मसाले जो मैंने मेंशन किए हैं लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, हरी इलायची और तेज़पत्ता, ये मैंने ऐड कर दिया है। जब ये तड़क जाए तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे, जो मसाला पेस्ट मैंने ग्राइंड किया है ये भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है मैंने जार में, मिक्स कर लेते हैं इसको। जो भी सूखे मसाले मैंने मेंशन किए थे ग्रेवी के लिए, गरम मसाला, जीरा, धनिया, सॉल्ट ऐड कर देंगे इसमें। थोड़ा सा धनिया पुदीना और हरी मिर्च, मलाई इसमें 2 टेबलस्पून मैंने ऐड किया था सीख कबाब के प्रिपरेशन में, बाकी का मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसको लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए हम बॉईल कर लेते हैं और ग्रेवी जो है ये रेडी है। तो 2 से 3 मिनट बाद ये देखिए ऑयल जो है ये सरफेस आउट हो गया है इसके ऊपर। थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर रही हूँ ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए, बिकॉज हमने इसमें चावलों को दम लगाना है, और ये जो सीख हमने प्रिपेयर किया है ये मैंने ऐड कर दिया है। धनिया और पुदीना, हरी मिर्च ऐड कर देंगे, चावल जो मैंने बॉईल किया था, चावलों को अच्छी तरह से स्प्रेड कर ले, थोड़ा सा देसी घी हम स्प्रेड कर लेंगे चावलों के ऊपर। मैंने इसमें कोई भी एसेंस ऐड नहीं किया है, आप चाहें तो केवरा एसेंस, केसर मिश्रित दूध वगैरह ऐड करके आप उसको उस तरह से फ्लेवर भी दे सकते हैं। इसको हम बंद कर लेंगे, हाई हीट पर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद फ्लेम लो करके 10 मिनट के लिए इसको दम लगा लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 मिनट मैंने इसको दम कर लिया है, गैस का फ्लेम ऑफ करके मैंने इसको 5 मिनट छोड़ दिया था, इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए दम गई है बिरयानी अच्छी तरह से। तो डिश आउट कर लेंगे इसे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स तैयार है मलाई सीख बिरयानी, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत ज़्यादा रिच मैंने नहीं बनाया है इसको और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक लिख के ज़रूर बताइए रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर रेसिपीज़ आ रही हैं पसंद तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएँ। वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक गुड केयर, बाय।